स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर एक्सरसाइज चल रही है 9.2, तो 9.2 के अंदर जो फोर्थ क्वेश्चन आज हम करेंगे, देखिए फोर्थ क्वेश्चन कैसे। इन द फिगर पी इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, शो दैट एरिया ऑफ ए पी बी, ये जो ए पी बी है, प्लस एरिया ऑफ पी सी डी, पी सी डी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों मिला के बराबर होंगे हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एक तो ये शो करना है और दूसरा करना है ए पी डी और पी वी सी, ए पी डी ये वाला और पी वी सी ये दोनों एरियाज जो हैं वो इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया के इक्वल होंगे, ये शो करना है। तो पहले हम पहला शो करते हैं, तो इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको, एक तो इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा और इसको ये पैरेलल खींचना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई एफ और ये हो जाएगा जी एच, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे ड्रॉ जी एच, जी पी एच कह लो, ड्रॉ लाइन जी पी एच पैरेलल टू टू ए बी एंड डी सी, ऐसे ही ड्रॉ ई एफ ई पी एच पैरेलल टू ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले प्रूफ हमें करना है पहला वाला एरिया ऑफ ए पी बी एंड एरिया ऑफ बी सी डी। अब देखिए सबसे पहले ए बी एच जी इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, एंड ए पी बी इज अ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल ए पी बी बोथ आर स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है। तो कहेंगे हम कि एरिया ऑफ ए पी बी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी एच जी, ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ लिखेंगे पैरेललोग्राम डी सी एच जी, डी सी एच जी एंड पी सी बी, पी सी डी है ना, ये पी सी डी एंड ट्राइंगल पी सी डी आर स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, सो एरिया ऑफ PCD will be equal to, sorry यहाँ पर ये आएगा हाफ, यहाँ पर हाफ आएगा, हाफ होता है यहाँ पे, हाफ ऑफ एरिया ऑफ DCHG, ठीक है। यहाँ पे हाफ होता है, आपको बताया थ्योरम 9.1 से, इसे 2 कर लेंगे इक्वेशन 2, ऑन एडिंग 1 and 2, तो एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी दोनों को ऐड कर देंगे तो इधर आ जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी एच जी प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ डी सी एच जी, एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी, इन दोनों में 1/2 ले लेंगे और ये दोनों
जो है ये एरिया और ये एरिया मिलके हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया, ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। नाउ हम इसके बाद सेकंड करेंगे। सेकंड प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए ई एफ डी एंड ए पी डी, है ना, ट्राइंगल ए पी डी एंड पैरेललोग्राम ए ई एफ डी, दीज टू आर स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ए पी डी एंड पैरेललोग्राम ए ई एफ डी आर स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस, स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स। तो ये जाएगा एरिया ऑफ ए पी डी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए ई एफ डी, ठीक है। इक्वेशन वन हो जाएगा इसमें। दूसरा सेम एरिया ट्राइंगल पी वी सी एंड पैरेललोग्राम ई बी सी एफ यानी ये वाला ई बी सी एफ आर स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस। ये लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा कि दीज टू आर स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। सो एरिया ऑफ पी वी सी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए ई एफ डी, सेकेंड हो गया। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी वी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए ई एफ डी प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ ई बी सी एफ। तो यहाँ लिखेंगे ई बी सी एफ एरिया ऑफ ई बी सी एफ, ठीक है। ये ई बी सी एफ है ना, ई बी सी एफ, ठीक है। तो ये दोनों देखो ए ई एफ डी और ई बी सी एफ दोनों को ऐड करेंगे तो ये ए बी सी का एरिया बन जाएगा, ए बी सी डी का। तो एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ पी वी सी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, और ए बी सी डी का एरिया ए बी सी डी का हाफ ऑफ ए बी सी डी का एरिया हम ए पी वी प्लस पी सी डी के इक्वल कर चुके हैं। तो हम इसकी जगह पर ये जो है ना इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए पी वी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी, क्या लिख देंगे एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी वी सी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी वी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी, क्या लिख देंगे यहाँ पर। लिख आप ये वाली चीज़ लिख भी सकते हो यहाँ पर, जैसे इसकी जगह पर मैंने लिखा कि यहाँ पर लिख दो सिंस एरिया ऑफ ए पी वी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है, इसके हिसाब से। तो ये सेकंड प्रूफ हो गया, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है दोनों। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इन द फिगर पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस, देखो आप यहाँ पर पी क्यू आर एस, ठीक है, ये एक्चुअली में एक ही पॉइंट है ऐसे, ठीक है, पी क्यू आर एस एंड ये एस एक ही पॉइंट है,
सिंगल पॉइंट है ये, इसको जरा हटा लें ऐसे यहाँ से, ये यहाँ मिल रहा है ऐसे ही है। तो पी क्यू आर एस और ए बी आर एस, ठीक है, ये दो पैरेललोग्राम्स हैं एंड एक्स इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी आर, और एक्स जो है वो बी आर साइड पर एक पॉइंट है, इसको ज्वाइन किया इससे ए से और ए से, तो ये ट्राइंगल एक बन रहा है। आपको शो करना है कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस और एरिया ऑफ ए बी आर एस दोनों सेम है, दोनों इक्वल हैं, तो एरिया कैसे इक्वल हो जाएंगे, थ्योरम से पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो इनका एरिया इक्वल हो जाएगा। और दूसरा ये एंगल ए एक्सेस, एरिया ऑफ ए एक्सेस, एरिया ऑफ ए एक्सेस, ए एक्सेस का एरिया हाफ ऑफ पी क्यू आर एस भी होगा, हाफ ऑफ ए बी आर एस तो हो गई, तो इसको ऐसे कर लेंगे सॉल्यूशन में कि पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंड, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, पी क्यू आर एस एंड पैरेललोग्राम ए बी आर एस आर लाइन ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है, तो सो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी आर एस, ठीक है, ये थ्योरम 9.1 से हो गया, ठीक है, इसको आप इक्वेशन वन मान लीजिए। अब सेकेंड वाला करना है इसमें एरिया ऑफ ए एक्सेस, तो आप लिखेंगे ट्राइंगल ए एक्सेस एंड ए बी आर एस एंड पैरेललोग्राम ए बी आर एस आर लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, पैरेलल्स, ठीक है, सो एरिया ऑफ ए एक्सेस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी आर एस, ठीक है, ये बाय द थ्योरम क्लियर है, लेकिन बाई इक्वेशन वन ए बी आर एस को हम ए बी आर एस और पी क्यू आर एस इक्वल हैं, तो एरिया ऑफ ए बी आर एस की जगह हम एरिया ऑफ पी क्यू आर एस लिख सकते हैं, ठीक है, सो बाई वन, बट बाई वन हम इसको चेंज कर देंगे, एरिया ऑफ ए एक्सेस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी आर एस की जगह लिखेंगे पी क्यू आर एस, ठीक है, यहाँ लिख दो एज एरिया ऑफ पी क्यू आर एस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी आर एस, ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। आते हैं थर्ड पे, कितने, हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये सिक्स्थ वाला, अ फार्मर वॉज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम शेप में एक फील्ड है एक फार्मर के पास, शी टुक एनी पॉइंट ए ऑन आर एस, उसने आर एस पर, आर एस लाइन पर एक पॉइंट लिया ए एंड जॉइंड इट टू द पॉइंट पी, उसने ज्वाइन किया इसको पी पे और क्यू पे, इन हाउ मैनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड, फील्ड कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वॉट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट्स, और इन पार्ट्स की शेप क्या है, क्वेश्चन दूसरा ये है, और तीसरा ये है, द फार्मर वॉन्ट्स टू सो वीट एंड पल्सेस, फार्मर जो है वो वीट और पल्सेस को इक्वल प्रपोर्शन में उगाना चाहता है इसके ऊपर ऑफ द फील्ड सेपरेटली अलग अलग, हाउ शुड सी डू इट, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब आपको क्वेश्चन क्या क्या एक एक चीज बतानी है, कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, आप इसका आंसर लिखते जाओ, ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, द फील्ड इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, तो आप लिख दो इसमें द फील्ड इज डिवाइडेड
इनटू थ्री पार्ट्स। तो पहला था द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ठीक है, तो फील्ड तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। दूसरा क्या है, व्हाट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट्स। डेफिनेटली ये ट्राइंगल्स है तीनों, तो लिख देंगे दीज शेप्स आर द शेप्स ऑफ all three parts are triangular, ठीक है। अब जो इसका थर्ड पॉइंट है कि वो क्या कर रहा है, वो अब उसको बराबर प्रोपोर्शन में वी टपल्सेस उगानी है, यानी तीनों दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में हो। तो इसके लिए एक काम ये हो सकता है कि अगर APQ ये जो है बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है और ये दो छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं, अगर इन दोनों का एरिया इसके इक्वल हो जाएगा तो हम ऐसा कर सकते हैं, वो ऐसा कर सकता है कि इन दो में वीट और इसमें पल्सेस, या इन दोनों में भी पल्सेस और इसमें वीट उगा सकता है। तो जरा इसको देखते हैं कि ट्रायंगल एपीक्यू एंड पैरेललोग्राम PQRS आर लाइंग on the same base and between the same parallels, ठीक है। So by the theorem, area of APQ will be equal to half of area of PQRS, ठीक है। तो APQ का एरिया होगा इसका हाफ होगा, हम इसे इक्वेशन वन मान लेते हैं, ठीक है। अब ये तीन पार्ट्स हैं, तो आप देखें जरा कि एक हो जाएगा APS, ट्राइंगल APS, दूसरा या इसे इस तरह लिखें एरिया ऑफ APS प्लस एरिया ऑफ दूसरा क्या है AQR प्लस एरिया ऑफ APQ। इन तीनों का एरिया का सम करेंगे तो ये आएगा एरिया ऑफ PQRS, यही आएगा। अब जो एरिया ऑफ APQ है उसको इस तरफ ले जाएं आप, तो एरिया ऑफ APS प्लस एरिया ऑफ AQR इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ APQ, ठीक है। एरिया ऑफ APS प्लस एरिया ऑफ AQR इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS, तो ऐसे ही रहेगा एरिया ऑफ PQRS, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको बाय वन लिख सकते हैं, माइनस हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS by one लिख दो, equation 1 तो ये हो जाएगा area of APS plus area of AQR, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा हाफ रह जाएगा, ये फुल में से हाफ जाएगा, हाफ हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS। इसका मतलब है ये भी इसको सेकेंड कर लो, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का सम भी हाफ ऑफ PQRS के बराबर है, इसका भी सम हाफ ऑफ PQRS है। तो आप यहां पर लिख देते हैं बाई वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू, एरिया ऑफ APQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ APS प्लस एरिया ऑफ AQR, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन दो पार्ट्स का एरिया इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे सो फार्मर कैन सो वीट इन एरिया APQ एंड पल्सेस ऑन एरिया APS प्लस एरिया AQR और वाइस वर्सा, ठीक है। और इसका अपोजिट भी कर सकता है
कि इन दोनों की जगह इसमें बीट और इसमें पल्सेस उगा सकता है, हैं, इन द सेम प्रपोर्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, तो इसके साथ ये एक्सरसाइज खत्म होगी। अब नेक्स्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 9.3।